हमारे सिस्टम में वही बात है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर जो है वो निसाबी सरगर्मियों पे और एजुकेशन की बुक्स पे और इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, लेकिन बच्चों की तरबियत पे हम बिल्कुल फोकस नहीं करते और हम उनकी इस्लाह जो है वो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते। तो इस फोरम पे मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने जब हमें बहैसियत उस्ताद, बहैसियत प्रिंसिपल, हमें इतने बच्चों का सरबराह बना दिया है, तो हमारे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि हम स्कूल लेवल पे हम बच्चों की इस्लामी तरबियत को मद्देनज़र रखें। अब मैंने ये देखा है, बल्कि आप सब ने भी ये देखा होगा कि स्कूल में फंक्शंस होते हैं, आप ये देखें कि मतलब जितना बड़ा स्कूल समझा जाएगा वहाँ पे स्टेज पे जो एनुअल फंक्शन हो रहा होगा वहाँ पे आप टैबलोज, लुड्डी, डांसेस, मतलब इस चीज़ को, इस कल्चर को फ़रोग दिया जा रहा है और तमाम पेरेंट्स जो हैं वो इस पे, अगर उनका बच्चा और बच्ची आके स्टेज पे डांस कर रहा है और बहुत अच्छा डांस कर रहा है तो प्रिंसिपल भी बहुत खुश है, पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, बड़ी क्लैपिंग हो रही है कि हमारे बच्चों में बड़ा जी टैलेंट है कि वो ये काम कर रहे हैं। जबकि मैं ये समझती हूँ कि मैंने एटलीस्ट मतलब अपना हिस्सा डालें या क्या कि मैं जब भी अपने स्कूल में कोई फंक्शन करवाती हूँ तो मैं इस चीज़ को मद्देनज़र रखती हूँ कि इसमें ये वाला कल्चर हम शामिल ना करें, हम इस्लामिक कल्चर को फ़रोग दें, हम मतलब हम ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इसके बजाय अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकअल्लाह। अब आप देख लें कि जितने भी जिसे अच्छा स्कूल आजकल कंसिडर किया जा रहा होता है उसमें यही कि जो बेटा रात को आपने गुड नाइट कह के सोना है, आपने माँ बाप को सुबह उठ के आपने हम अस्सलाम वालेकुम का तसव्वुर, हम अपनी शायद शर्म महसूस करते हैं कि ये बहुत अच्छा स्कूल नहीं है कि जो जज़ाकअल्लाह या अस्सलाम वालेकुम या शुक्रिया के अल्फाज जो है वो अदा करने की तरबियत पे जोर नहीं दे रहा, बल्कि वो जो रटे रटाए कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस हैं उनको अगर वो कह रहा है तो पेरेंट्स भी घर आके बड़े खुश हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा कुछ सीख के आ रहा है और बच्चे भी इसमें फ़ख्र महसूस करते हैं। तो ये हमारी, मैं ये समझती हूँ कि हमें इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए, अपने सिलेबस पे, असेंबली में इन सारी चीज़ों पे हमें अहदीस की तरवीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए और मतलब मेरी कोशिश ये होती है कि हर असेंबली में जैसे है कि अगर आपने कोई असेंबली किरत करवाई है या कुछ करवाया है तो आप बच्चों को उसको एक्सप्लेन करें, रोज़ाना एक इस्लाही मौजू दें बच्चों को, हर बच्चा सब नहीं तो कम अज़ कम उसमें से 10% बच्चे उस चीज़ से ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे और इसका जो है वो रिज़ल्ट हमें कौम की सूरत में हमें नज़र आएगा और हमें महसूस होगा कि शायद हमने अपना हिस्सा, अपना किरदार जो है वो अदा कर दिया है।